भाभी से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? पहली मुलाकात ऐसा नहीं हुआ था मुलाकात, बट घर आना जाना था। जब भी ज़्यादा की फैमिली आई थी तो ऑफ कोर्स वैसे देखा था, और जब निकाह हुआ तो उस टाइम। उनको आपकी बैटिंग ज़्यादा पसंद है या बॉलिंग? उनको मेरी बॉलिंग तो जाहिर सी बात है बॉलिंग, तो बैटिंग का भी, जब मैं बैटिंग ज़्यादा नहीं करता तो जाहिर सी जब बात होती है तो कहती है कि बैटिंग भी क्या करो, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। बट एक आपको लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपको अप्रिशिएट की चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ पार्टनर अल्लाह पाक ने ऐसे दिया है कि हमेशा अप्रिशिएट कर। आपकी शादी का ख्याल सबसे पहले किसके माइंड में आया? जाहिर सी बात है शादी मैंने ही करनी थी तो मुझे ही आया, और पहले से ही लाला और मेरे भाई की काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है और हमारे जो बड़े हैं, सो अम्मी गई थी रिश्ता मांगने, तो फिर फैमिलीज का आपस में एग्री हुआ फैमिली। लाइफ पार्टनर में आपने जब ये डिसीजन लिया था तो आपने क्या चीज़ देखी थी अपने लाइफ पार्टनर में ये डिसीजन लेने से पहले? देखिए सबसे अच्छी आदत उनकी ये है कि वो अपने अम्मी अबू से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहनों से, जो कि बहुत कम आपको नज़र आता है कि कोई बच्चा अपने वालिदैन से इतना वो करते हैं। आजकल के मोबाइल और इन चीज़ों ने तो वो फैमिली को दूर ही रखा हुआ है। मेरे ख्याल से एक चीज़ उनमें यही अच्छी है कि फैमिली से काफ़ी प्यार करते हैं। कोई ऐसी डिश जो आप शादी से पहले तो नहीं खाते लेकिन अब आपने अपनी वाइफ की फरमाइश पे खाना शुरू कर दिया है? देखिए उनकी हर फरमाइश अब जाहिर सी बातें पूरी करनी होगी, और जो भी वो खिलाएगी प्यार से खाएंगे। अच्छा आपका निकनेम क्या है? निकनेम बहुत ज़्यादा है, लाला भी बुलाते हैं, भी क्रिकेट में लाला भी बुलाते हैं, शीनू भी बुलाते हैं। आपके 5 फेवरेट पूछूंगी। क्रिकेट में आपका रोल मॉडल कौन है? शाहिद अफरीदी। कौन सा एम्पायर सबसे ज़्यादा पसंद है? अलीम डार। कौन सी अदाकारा सबसे ज़्यादा पसंद है? कोई नहीं, ड्रामा वगैरह नहीं देखते। गाना सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? बहुत कम सुनता हूँ, हारिस रोग ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर सुनता भी तो उसी से मैं उसकी आवाज़ में सुन लेता हूँ। तो आपकी प्ले लिस्ट में वही ज़्यादा होता है? वही ज़्यादा। किस ग्राउंड में बॉलिंग कराना बहुत पसंद है? लॉर्ड्स हर बॉलर हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि वो लॉर्ड्स में खेले। शाहीन अब हम खेलेंगे एक मज़ेदार सा रैपिड फायर भी। ये बताइए कौन सा प्लेयर अपने आप को हैंडसम समझता है? नसीम शाह, शादाब खान, उमर अकमल, शाहीन अफरीदी। सारे हैंडसम हैं, और जो खुद अपने आप को समझते हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, बट नसीम। ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर करते हैं, इमामुल हक, शाह नवाज धानी या किसी और पर? मेरे ख्याल से उसमें साहब ने एक नाम मिस किया, हारिस रूफ शायद। अच्छा बतौर कप्तान सबसे काबिले भरोसा बॉलर कौन सा है, राशिद खान, हारिस रूफ, मोहम्मद जमान? तीनों। कौन अपने आप को लड़कियों में सबसे ज्यादा मकबूल समझता है या कह लें उनकी गर्ल फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बाबर आजम, नसीम शाह, वसीम जूनियर? वसीम जूनियर की तो मंगनी हुई है तो फैन फॉलोइंग तो होती है, फैन फॉलोइंग होती है, तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है बाबर आजम की सबसे ज्यादा होगी। किसी गुलकार को मुसलसल सुनना हो तो पहली चॉइस कौन होगा, राहत अली खान, आबिदा परवीन, आतिफ असलम? आतिफ असलम। सबसे ज़्यादा फन कौन करता है ड्रेसिंग रूम में? सारे करते हैं, ये टीम में फैमिली है, और अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपको हंसना होता है, आपको इमोशनल भी कभी कभी आप हो जाते हैं, बट हारिस है, इमाम है, फ़खर है। शरारती कौन है ज़्यादा? शरारती जब नवाज या हो गया, या इतने ज़्यादा नहीं है बट वो एक फ्रेंडली माहौल है फैमिली की तरह, तो हारिस या नवाज में से कोई। मैं और मूडी कौन है टीम में? मूडी बहुत मुश्किल से सवाल है, शायद अच्छा, मैं ही हूँ इसमें। अच्छा फेवरेट फॉरेन भाभी कौन सी है, मिसेस शोएब, मिसेस हसन अली, मिसेस वसीम अकरम? सारी अच्छी। पठान ज्यादा गुस्से वाला क्यों होते हैं? नहीं इतने गुस्से वाले नहीं, फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे काफ़ी लोगों ने मशहूर किया कि वो सवाल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत अच्छे पठान होते हैं। ये जिन्होंने बनाया ना ये सवाल हमारे, ये साजिश ही थी पठानों की। नहीं बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल प्यार करने वाले होते हैं और हमेशा प्यार करते हैं लोगों से। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? जैसे मैंने बताया कि मैं फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता था, तो शायद इन स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में आ जाता। दालें, सब्जी या गोश्त? गोश्त। बारिश,
सर्दियों की धूप या बर्फबारी? बर्फबारी काफी पसंद है मुझे। क्रिकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिकेट को उर्दू में क्रिकेट ही कहते हैं। अच्छा, गेंद पला शायद। शोएब अख्तर की कौन सी खूबी अच्छी लगती है? ब्रांड अच्छे से बनाते हैं। टीम में सभी दोस्त होंगे लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे फखर, बाबर, मेरे सबसे अच्छी दोस्ती है। सिर्फ एक नहीं है कि मैं इंडिविजुअल का नाम लूँ, रिजवान है, हारिस है, नसीम है, वसीम है, सबसे मेरी अच्छी दोस्त है। कौन सा कैप्टन आपका आइडियल है? अभी जो दो कैप्टन हैं इंस्पायर हूँ, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। फुटबॉल में कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? क्रिस्टियानो, मेसी, दोनों। गुस्सा आए तो क्या करते हैं? मुझे ज़्यादा गुस्सा जब आता है तो मैं कभी कभी रिएक्ट कर लेता हूँ, बट अपने आप पे या किसी चीज़ को मारता हूँ, शायद इतना ही करता हूँ। ऐसी ख्वाहिश जो आपके माइंड में हो और आप चाहते हो वो पूरी हो और अभी तक पूरी ना हो सकी हो? ख्वाहिश शायद कभी ख़त्म नहीं होती, और इंसान है जब एक चीज़ मिल जाती तो इंसान कहता है कि दूसरी भी मिल जाए, तो ऐसे कोई नहीं है, बट जब होगी तो अल्लाह से, वो इंडिविजुअली मामला है तो मांगेंगे। पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हैं, अपनी वालदा के साथ या वालिद के साथ? देखिए, दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है, तो दोनों के साथ बहुत ही क्लोज हूँ, और बहुत जब मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं बहुत मिस करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जब टाइम मिले जल्दी उनके पास जाऊँ, उनके साथ मिलूँ। तो उनका कैसा रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं आपके माशाल्लाह इतने चाहने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, आपको देखने वाले, और वो जिस तरह का आपको प्यार देते हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं उनके, कैसे जज्बात होते हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मेरे मम्मी अबू, और जब मैं कोई वैसे कोई टूर्नामेंट भी खेल रहा था ना इंटरनेशनल क्रिकेट के से पहले, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ, मेरी मम्मी अबू मेरा मैच देखे, और वो उस चीज़ पे प्राइड फील करे कि यार हमारा बच्चा खेल रहा है और वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपके माँ बाप मैच देखे और वो प्राउड फील करे। आखिर में जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उनके बगैर दुनिया अधूरी होती है, और कोशिश करें कि वो हमेशा खुश रहे, और जो आपकी काम होते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, और जो कुछ लोग होते हैं कि दूसरे के काम में भी इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं होना चाहिए, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और अपने काम से काम रखें, काम से काम रखे, और जो भी काम करे उसमें पाकिस्तान को पहले सोचे और फिर काम करे। एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी जा रही है? एशिया कप और वर्ल्ड कप जाहिर सी बात है बड़े इवेंट होते हैं, और कोशिश है कि पिछली बार भी हम फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन हमने अचीव नहीं किया, बट इंशाल्लाह जैसे तैयारी हो रही है तो इंशाल्लाह ये दोनों ट्रॉफी हमारी होगी। थैंक यू सो मच शाहीन, आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा।